आप देख रहे हैं X24 News। मार्च कर रहे किसान पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित एक पुल पर जब पहुंचते हैं तो आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए। क्या पुलिस चाहती थी कि लोग इस छोटे से पुल से जब गुजरे तो आंसू गैस की छटपटाहट से पुल से नीचे कूद जाए? ये निहायत ही क्रूरतापूर्ण कार्रवाई है। किसानों का प्रदर्शन शुरू होते ही गोदी मीडिया काम पर लग गया है। कोई बता रहा है कि किसानों को भड़का दिया गया है, कोई बता रहा है कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, कोई बता रहा है कि देश को अस्थिर करने की साजिश है। इनसे पूछें कि तीन किसान बिल किसने पास किया है जिसका विरोध हो रहा है? अगर सरकार के कानून का विरोध हो रहा है तो क्या सरकार खुद ही देश को अस्थिर करना चाहती है? इस बात में थोड़ा सा दम है। सरकार खुद ही इस देश को दर्जन भर पूंजीपतियों के हाथ में सौंप देना चाहती है बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। ये कितना शर्मनाक है कि किसानों से बातचीत करने की जगह पुलिस लगा दी गई है। जगह जगह पुलिस और किसानों में संघर्ष की खबरें आ रही हैं। लाठी, आंसू गैस, वाटर कैनन चार्ज किए जा रहे हैं। भाषण देने को तो सारे टटपुंजिए किसानों के कल्याण पर 500 किलोमीटर लंबा भाषण दे देते हैं, लेकिन किसानों के दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं। आप देख रहे हैं X24 News।